नमस्कार शर्मा जी, टेक्निकल में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए जो है वो सूक की तरफ से एक नया जो है वो स्पीकर लॉन्च किया गया है। उसका नाम है ZB डॉट। ये एक छोटा सा वायरलेस स्पीकर है जो कान में इस तरह से लग सकता है। इसको आप मोस्टली जो है वो कॉलिंग के लिए यूज़ करेंगे, यानी कि कॉल्स लेने के लिए यूज़ करेंगे, और साथ साथ में आप जो है इसमें म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। इसके अंदर आपको जो है यहाँ पर एक चार्जिंग कैप्सूल भी मिलता है, जिससे आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं अगर आपके पास में डायरेक्टली जो है वो चार्ज अवेलेबल नहीं है तो। बॉक्स की पैकिंग को जिस तरह से मिलती है बहुत ही स्मॉल दिया गया है। फीचर्स आपको दिखाए गए हैं कि वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्टीरियो वायरलेस ब्लूटूथ ईयरबड है, इम्प्रेसिवली पावरफुल बैटरी है, इनोवेटिव पोर्टेबल चार्जिंग कैप्सूल है, कन्वीनियंट बिल्ट इन माइक है, एफर्टलेस वॉइस कमांड है, हाई क्वालिटी साउंड, ये सब इसमें लिखा गया है। और चार्जिंग फंक्शन बताया गया है, किस तरह से आप चार्ज कर सकते हैं। कंपैटिबल जो है वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, टैबलेट, फ़ोन के लिए है। और यहाँ पर भी दिखाया गया है कुछ, अगर आपको जूम करके दिखाऊँ यहाँ पे, ये देखिए क्वार्टर ऑफ स्केल यहाँ पर दिखाया गया है कि इतना जो है ये इससे भी जो है वो छोटा है, यानी कि जो कॉइन होता है उससे भी इसको छोटा जो है वो रखा गया है। प्राइसिंग की बात करें तो इसकी जो प्राइसिंग रखी गई है वो 3,499 रखी गई है, और ये 2,999 का दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको लॉन्च प्राइस में आपको ये जो है वो 1,999 रुपये का मिलेगा। तो फटाफट से जो है बॉक्स ओपन कर लेते हैं। बॉक्स कुछ इस तरह से ओपन कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह से आपको जो है पैकिंग मिलती है। यहाँ पर आपको जो है एक USB टू माइक्रो USB केबल दी गई है चार्जिंग के लिए। आपको एक लैनयार्ड दिया गया है हैंगर वगैरह के लिए, यानी कि आप इसको जो है वो इसमें क्लिप कर सकते हैं। साथ में आपको दो ईयरबड दिए गए हैं एक्स्ट्रा में, और ये जो है वो मेन ईयर पीस है सिर्फ। जी हाँ, ये देखिए, ये सिर्फ छोटा सा इतना सा जो है वो ईयर पीस है, और इसको आपने कान में जो है वो लगाएंगे। साथ में इसमें जो इनबिल्ट माइक भी जो है वो दिया गया। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर अच्छी आपको मिलती है। साथ में यहाँ पर ये जो कैप्सूल है इसके अंदर अगर आप इसको लगा देंगे तो मैग्नेट है ये, इसको जो है वो अटैच कर लेता है, और आप इसको जो है वो इससे चार्ज भी कर सकते हैं। देखिए, आपने इसमें लगाया और लगाते रेड कलर आ गया, मतलब ये जो चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। ऐसा बताया जाता है कि इसके अंदर आपको 90 मिनट की बैटरी मिलती है फुल चार्ज होने के बाद, और इसमें आपको 120 मिनट की बैटरी है, यानी कि दोनों मिलाकर आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका ख़त्म हो जाता है आप इसको लगा दीजिए, ये चार्जिंग शुरू हो जाती है यहाँ पर, और उसके बाद आप ये आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं, और इसको आप अपने जो है वो हैंगर में, की चेन रिंग वगैरह में भी जो है वो लॉक कर सकते हैं, और जब भी आपको कॉल आता है तो आप इसको निकालिए, अपने कान में लगाइए और यूज़ कर लेते हैं। मैं आपको इसको जो है वो पेयर करके भी दिखा देता हूँ। पेयरिंग करने के लिए आपको ये जो बटन है, ये मल्टीफंक्शन बटन है, आपको इसको जो है वो दबा कर रखना होगा। 2 से 3 सेकंड आप उसको दबा कर रखेंगे तो इसकी जो लाइट है वो ब्लू हो जाएगी, और उसके बाद आप जो है वो अपना फ़ोन को जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ के साथ में। तो मैंने यहाँ पर जो है फ़ोन कनेक्ट कर दिया है, आप देख लीजिए JB डॉट लिखा हुआ आ रहा है। और उसके बाद मैं आपको कॉल क्वालिटी दिखा देता हूँ कि इससे कॉल क्वालिटी किस तरह से मिलती है। तो इस तरह से कुछ जो साउंड आता है कान के अंदर, अगर मेरी बात करूँ तो जो है वो आपको आराम से सुनाई दे जाएगा। और ये सबसे बेस्ट चीज़ की ये है कि आपको जो ट्रैफिक में भी यूज़ करोगे तो कोई शिकायत नहीं आएगी कि आपको सुनाई नहीं दे रहा, आप बोलो सामने वाले को ऊंचा बोलो ऊंचा बोलो। ये जो बटन दिया गया है इसको आप दबाकर कॉल को पिक भी कर सकते हैं डायरेक्टली, और कॉल को जो है वो डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। ये जो है इसको आप दो फोन में एक साथ में जो है मल्टीपेयर कर सकते हैं। चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पर जो है नीचे की तरफ एक ओपन करने के लिए दिया गया, आप इस तरह से जो है वो हल्का सा इसको जो टिल्ट करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको जो है वो चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। इस तरह से आप इसके अंदर जो है उसको लगा करके बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। देख लीजिए, जैसे चार्ज हो जाएगा तो बैटरी जो इंडिकेटर है वो बंद हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। बॉक्स में आपको जो है वो एक वारंटी कार्ड मिलता है साथ में, और एक यूज़र गाइड भी दी गई है जो आपको बताती है कि किस तरह से इसको जो है वो यूज़ करना है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, तो आप इसको जो है पॉज करके चेक कर सकते हैं। ईयरबड की जो बैटरी है वो 90 मिनट्स की, और जो पोर्टेबल केस है नीचे वाला उसकी जो बैटरी है वो 120 मिनट्स के लगभग दी गई। टोटल जो बैटरी है वो 140 एमएच की दी गई है, और 55 एमएच की जो है वो ईयरपोर्ट की बैटरी है, तो लगभग 190 एमएच की बैटरी आप उसमें मिल जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरह का प्रोडक्ट जो है वो शायद नहीं देखा होगा आपने आज तक, और देखिएगा किस तरह से आपके लिए यूज़फुल जो है वो हो सकता है। मेरे हिसाब से तो जो है मोस्टली कॉलिंग के लिए बढ़िया रहेगा, और मेटल की बॉडी दी गई है तो डिज़ाइन भी अच्छा है, प्रीमियम फील देता है आपको। और अगर आप रख दोगे यहाँ पर किसी टेबल पे तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये है क्या। कुछ लोग बोलेंगे कि ये लाइटर है या क्या है या क्या है, लेकिन ये जो है वो एक ब्लूटूथ छोटा सा स्पीकर है, सिंगल ईयर पीस वाला है, डुअल ईयर पीस वाला नहीं है। आप इसमें गाने भी सुन सकते हैं सिंगल ईयर पीस में, लेकिन आप सुनिएगा और आप देखिए किस तरह से आपको गानों का जो मज़ा आता है। हालांकि अगर डबल होता तो मुझे बड़ा अच्छा लगता, लेकिन अब सिंगल है तो क्या करें। साथ में दो अलग के ईयर पीस भी दिए गए हैं छोटे बड़े, अगर आपको साइज़ जो है वो लार्ज चाहिए या फिर मीडियम वाला चाहिए। तो शर्मा जी टेक्निकल के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आप बने रहो हमारे साथ और बोलते रहो जय हिंद, वंदे मातरम।